हम तो इसको जड़ से खत्म करने का जो समाधान है वो लेके आए हुए हैं। तो प्रताड़ना के लिए जितने संगठनों ने गारंटी ले रखी है कि वो प्रताड़ना कम करेंगे, किसी की एट्रोसिटी खत्म करा देंगे और वो खूब जुलूस निकालेंगे, खूब करेंगे, उनकी मदद लो भाई। और यहाँ ये जो परमानेंट काम हो रहा है इसमें सहयोग कर सकते तो करो, नहीं तो इसको देखो कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि हम उस बात पे काम कर रहे हैं कि प्रताड़ना हो ही ना, हम उसके लिए काम नहीं करते कि तू पिटके आएगा और हम तेरे लिए मलहम पट्टी लेके खड़े होंगे और तेरे लिए तख्ती उठाएंगे और तेरे लिए हम FIR लिखेंगे और तेरे लिए ये काम करेंगे। तो सारे काम कर रहे हैं, सारे काम लोग पिटवाने का कर रहे हैं कि भाई पिटके आ जा, हम तैयार हैं, सबने दफ्तर खोल रखे हैं, सबने संगठन खोल रखे हैं, पिटके आएगा तो मदद करेंगे। और हमसे भी कह रहे हो कि जब हम पिटके आएंगे तो तुम क्या मदद करोगे। भाई हम तेरे पिटने का वेट नहीं कर रहे, हम तो वो काम कर रहे हैं कि तू जिंदगी में पिटे ही ना, बल्कि तू पीटे लोगों को। तो वो जी कहने लगा जी वो काम कैसे कर रहे हो। देख रहा हूँ सुधीर कुमार, आप शायद किसी का परिचय कराना चाह रहे हैं, तो प्लीज पहले आ जाएं। सर जय भीम। जय भीम, नमो बुधाय। अच्छा मैं परिचय नहीं करा रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि अभी जो है ना दो बड़ी मीटिंग लग रही है, एक 15 तारीख को शनिवार को और एक 16 तारीख को रविवार को। जो 15 तारीख की है ये कानोंदा गांव में है और जो शनिवार की है ये ना रविवार की है ये सांपला में है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी समन संघ के साथियों से, क्योंकि दिल्ली में जो है ना शनिवार और रविवार को कर्फ्यू है तो लोग आ नहीं पाते हैं। तो गुड़गांव के या हरियाणा के जो चमन संघ के अपने जो भाई बहन हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी सीनियर साथी हैं वो कृपया वहां पहुंचे, ताकि क्योंकि वहां पे कोई भी सीनियर साथी ऐसा नहीं है कि भी जो अच्छे से बता सके। तो मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा वहां पे आए और आने से पहले थोड़ा सा अवगत जरूर करा दें कि हम आ रहे हैं कन्फर्म। कुछ कहना चाहे तो RS गिल। जय भीम नमोदय सर। जय भीम नमोदय सर। सर गिल साहब कितने देर हो गए मैं जुड़े हुए आपको? सर 7 जनवरी से जुड़ा हूँ सर। अच्छा, पूरे 7 जनवरी से लेके और अब तक के 7 दिन का पूरा एक्सपीरियंस बताओ कि आपने जो पूरे इधर उधर काम किया है और यहाँ जो लोग देख रहे हैं काम चल रहा है उसमें क्या अंतर पाते हो, पूरा बताओ 5-7 मिनट में। नहीं तो काम सर अच्छा चल रहा है, मैं रोज रेगुलर मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ सर, और मैं थोड़ा सीख भी रहा हूँ जो जो आप बताते हैं, जो नई नई चीजें पता चल रही हैं, तो थोड़ा सा मेरा तो अभी लर्निंग टाइम ही है सर, क्योंकि जब तक हम जाके दूसरे लोगों को आपकी बातें नहीं बताएंगे और वी द पीपल का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, तब तक लोग जो हैं जुड़ेंगे नहीं। तो उनको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा सा, एक तो आपके वीडियोस में देख रहा हूँ और दूसरा रोज की मीटिंग अटेंड करने का मेरा मकसद यही है कि जो पाता है वो कोई ना कोई ऐसी बात नहीं बताता है जो हमें टच करती है सर। और मैंने तो पिछले दिनों यही देखा कि आपका सही चल रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा मैं जो नोट कर रहा हूँ थोड़ा डिसिप्लिन थोड़ा खराब हो जाता है। मेरा एक ही मतलब सुजेशन कह लो या सुझाव कह लो कि बाकी लोग अपना माइक जो है ना वो बंद कर दें जब कोई दूसरा व्यक्ति बोले, तो गिल ये थोड़ा साहब, सा मैंने महसूस किया सर बीच में। गिल साहब हाँ जी सर। अगर आपको 7 महीने पहले की वीडियो दिखा दूं तो बेहोश हो जाओगे आप। नहीं वो तो सर ठीक है। अब तो बहुत डिसिप्लिन में आ गया मामला। हाँ नहीं, वो ठीक है थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो तो आप यहाँ तक जो लेकर आए हैं ये आपकी बहुत बड़ी वो है, और धीरे धीरे जो है मैं भी जहाँ जहाँ जुड़ा हूँ उनको सारा फिर क्लियर करेंगे, और जो जो साथी हैं उनको मैं बता रहा हूँ, अच्छा तो आप ये बताओ थोड़ा कि जो आप बता रहे हो उसमें कोई कठिनाई महसूस हो रही है क्या? लोगों के कैसे प्रश्न आ रहे हैं? नहीं कठिनाई तो कुछ नहीं, बस बाकी थोड़ा सा ना लोग क्या है कि अभी ये कहते हैं जी अगर जुड़ जाएंगे तो क्या आगे प्रोग्राम है, क्या है, कैसे करोगे,
तो उनको मैं वही दो चार जो चीज बातें आपने मेन मेन समझाई हैं, एक तो 2 अप्रैल की 1918 की बात, 2 अप्रैल वाली इंसिडेंट और ये किसानों की, मैं उनको यही बताता हूँ भाई जब ये इकट्ठे हो गए तो अपना अधिकार मना सकते हैं, तो जब हमारे हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हम भी अपनी बात मनवा लेंगे। तो क्योंकि लोग थोड़े से समझ रहे हैं सर, इतना एक वो ठीक समझ रहे हैं लोग ना, ये कहते हैं जी अच्छा ये बताओ इकट्ठे होके क्या करोगे। हाँ मेन यही रहता सर उनका। अच्छा वो फिर ना वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, वरना उनके दिमाग में बात रहता अच्छा पॉलिटिक्स करोगे। ये तो सर हम तो कह रहे पॉलिटिक्स तो हमारा एजेंडा नहीं है इसके अंदर। ना वो उनका ऐसा है, जितने भी मूवमेंट अब तक हुई है 70 साल में, जितने भी लोगों ने संगठन बनाए, जितने भी चाहे उन्होंने शुरू में ये कहा हो कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे या नहीं जाएंगे या कोई सामाजिक क्रांति करेंगे या कोई धार्मिक संगठन है, उनकी सबकी स्पीच और वो सारे के सारे पॉलिटिक्स में जाते हैं। इसलिए ये बात लोगों के दिमाग में पहले से तय रहती है, अच्छा जो भी संगठन बनेगा वो जाएगा पॉलिटिक्स में। तो वो सिर्फ ये पूछना चाहते हैं ताकि जैसे ही ये पूछें और कन्फर्म हो जाए कि ये पॉलिटिक्स में जाएंगे तो फिर वो कहेंगे अरे तो फिर तो यही वही बात होगी जैसे सारे वैसे ही। अगर संघ ना कभी पॉलिटिक्स में नहीं जाता। नहीं, आपने जैसा बताया ना सर, हम तो कह रहे भी हमारा मकसद नहीं है इसके अंदर, बाकी जो जाना चाहे वो जा सकता है और बाकी जो आएगा वापस वो समन की जो है उसके ऊपर आएगा, जा सकता है अगर वो लेना चाहे कहीं पार्टिसिपेट करना चाहे करे, समन संघ को उसमें कोई इतराज नहीं होगा जैसे आपने मुझे बताया। इसके अलावा एक बात और भी है कि जितने भी प्रकार के लोग संगठनों में काम कर रहे हैं उनसे एक प्रश्न कभी करना, कहना भाई तुम जो भी काम कर रहे हो चाहे वो तुम्हारा धर्म का है, धार्मिक का है, धर्म का है, या तुम्हारा संतों का है, या कोई डेरा बाबा है, या कोई मठ आश्रम है, या कोई तुम्हारा सरकारी कर्मचारियों का है, या कोई तुम्हारा लड़कों का दलबल का है, या कोई पढ़ाई का है, या कोई तुम्हारा संस्कृति का है, सामाजिक काम है, या कोई तुम्हारा पॉलिटिकल काम है, कोई सा भी काम हो, क्या तुम बिना कोई ऐसा फार्मूला है तुम्हारे पास में कि बिना लोगों के इसको कर सको और हमारा सुख आ जाए। ये प्रश्न जब आप उनसे करोगे तो उनका बुद्धि घूम जाएगी, क्योंकि वो जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों को जोड़ते हैं पहले और फिर वो काम करते हैं। तो सवाल इसमें ये आता है कि जब तुम भी लोगों को जोड़ के कोई काम करने के लिए चाहते हो तो लोगों को अलग अलग क्यों जोड़ा जाए, पहले लोगों को जोड़ के एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए फिर लोग सारे काम कर लेंगे अपने आप, जो 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 करना होगा जिसको। नहीं वो बात तो आपकी ठीक है सर, पर मैं एक चीज बताऊं और थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस किया बीच में, मैं तो जहां भी जाता हूं अब यही हमारा मोटो रहता है वो किसी तरीके से वी द पीपल की हम बात रखें, तो उसमें जब हम थोड़ी सी बात करते हैं ना थोड़ी, अच्छा धार्मिक कट्टरता बहुत है अपना सुधीर राजी, इसका कोई बीच में आप थोड़ा सा वो भी बताओ कि खास तौर पे जो ऐसी लोग हैं इतने कट्टर हुए पड़े हैं कि वो तो सुनने को राजी नहीं है सर किसी बात को। हम बाबा साहब के बारे में बताते हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे बताया, भाई ये सब काल्पनिक चीजें हैं जिसमें हम लगे हुए हैं, नहीं जी नहीं, हमारे बाप ने करा, हमारे दादे ने करा, हमारे परदादे ने करा, ये कैसे हम छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप गिल साहब उनसे छुड़वाना क्यों चाहते हो? नहीं मैं इसलिए छुड़वाना चाहता हूँ कि वो उन प्रपंचों में पड़े हुए हैं तो उनको छोड़ेंगे तभी तो वो कुछ और की सोचेंगे। ना ना ना, आप अगर आप उनको छुड़वाओगे तो वो तो आपके दुश्मन हो जाएंगे, आप फिर उनको इकट्ठा नहीं कर पाओगे। हमारे पास समय कम है और इसमें छुड़वाने में सैकड़ों साल लगते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो तो टॉपिक में एक दो जगह छेड़ा ना उदो जी, बिल्कुल एकदम से कट्टर लड़ने को तैयार। आपने आपने तो सीधा पंचर कर दिया उनको। पंचर मत करो। चलो ठीक है जी, फिर अब यही रखेंगे भाई, आओ जुड़ जाओ। ठीक है सर, मैं तो इसके लिए सर उनको यहाँ तक खींच के ले आओ और उनको साथ ऐसे करेंगे। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है ना, जैसे आपके हरियाणा के कुछ लोग, मैं भी वैसे हरियाणा से ही हूँ, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बाकी सन 80 से दिल्ली में रह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैंने देखा है कि किस तरीके से वो जो कह रहे हैं कि हम इकट्ठे होने हैं पहले पर्सन टू पर्सन मिलके। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भाई 2-4 बंदों को अपने पास बुला के फिर इंट्रोड्यूस करा दें, ये भी मुझे कंसेप्ट थोड़ा सा अच्छा लगा कि एक 2-4 लोगों को, 2 लोगों को, 3 लोगों को
अपने यहाँ बुला के जब मैं मीटिंग अटेंड हो तो अटैच ही कराऊं आपके साथ, बताऊं एंड परिचय कराऊं और मिलवाऊं, थोड़ा समझेंगे, एक दो घंटा बैठेंगे, एक घंटा आप तो एक काम और भी कर सकते हो। हाँ जी सर, ये जरूरी नहीं है कि आप 8 बजे वाली मीटिंग में यहाँ जब 250-300 आदमी होते तभी लोगों को लेके आओ। अगर आपको लगता है कि 4-5 लोग हैं हाँ जी मीटिंग कभी भी आप अरेंज कर लो, आपके लिए 2-4 साथी मिल जाएंगे जो बात को सुनेंगे, सवालों का जवाब देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर समय तैयार हैं। ठीक है जी, मैं फिर लगा हूँ सर, मैं तो उसी दिन से ही मेरे को। आप सर आप एक लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों को आप जानते हो, अच्छा जी कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत बाबा साहब को समझ गए हैं, कितने लोग हैं जो क्या बोलते हैं बाबा साहब से आगे बुद्ध को भी समझ गए हैं, कितने लोग हैं जो अभी बाबा साहब बुद्ध को नहीं समझे हैं मगर इकट्ठा होना चाहते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई करना चाहते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना आगे बढ़ना है, ना बाबा साहब को जानते हैं, ना बुद्ध को जानते हैं, ना कबीर को जानते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं उनकी अलग लिस्ट बना लो, उनकी कैटेगराइज कर लो आप। जो थोड़े समझदार लोग हैं उनको समझाना आसान होता है, पहले उनको समझाना चाहिए। जो बिल्कुल ही पहली क्लास में है उसमें तो आप थक जाओगे, पहली क्लास वाले पे दम मत लगाओ अभी। अभी जो 10वीं पास कर गया है, 12वीं पास कर गया है, पहले उसको उठा लो आप। चलो ठीक है सर, ठीक है सर जी। ध्रुव कुमार एडवोकेट सर, आपका हैंड रेज था, कुछ कहना चाह रहे थे। सभी साथियों को नमस्कार, जय भीम। जी सर, सुधीर भाई साहब, अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो सवाल वो ही खड़े हो गए तो भाई आप लोग जूम मीटिंग करते हैं तो उससे फायदा क्या है? तो मैंने जिस तरह से उनको समझाता हूँ कि संगठन इतने बने पूरे भारत देश के अंदर, उससे हमें क्या लाभ है? चार लोग हमारे घर आते हैं, हमसे नमस्ते करते हैं बाबा साहब के नाम पे, हमसे कुछ ले जाते हैं, और अभी भी यही हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं सारे। तो समर्थ संघ का जो उद्देश्य है वो भारत के लोगों में जितने भी हमारे समर्थ पुराने संघी हैं उनको जोड़कर, और जोड़ने के बाद जो अगला कंसेप्ट होगा वो संघ में जब हम जुड़े रहेंगे, तो अगर बाबा साहब ने ही तो कहा है कि अगर आपका बहुमत संसद में नहीं है तो रोड पे तो कीजिए। अगर हमारे भाई के साथ कहीं कोई अत्याचार होता है, कहीं कोई एट्रोसिटी होती है, तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आप मदद कैसे करोगे उनकी। तो मेरे जो सीनियर साथी हैं, कृपया हमें किस तरह से आगे काम करना है, और एक 10 मिनट का जो लेक्चर रहे जो सीनियर साथी हैं, मेरा अपना एक सुझाव है कि 10 मिनट का लेक्चर युवाओं के लिए रहे कि युवाओं को क्या करना है और युवा कितनी बात रखे समाज में जाकर कि वो हम अपने साथियों को समर्थ संघ जोड़ सकें। क्योंकि जिस तरह से अब भारत देश के अंदर अभी महीने दो महीने जिस तरह से चुनाव चलना है 4-5 राज्यों के, तो लोगों के अंदर ये भावना है कि हम क्या करें, जुड़ के क्या करेंगे। आप फोन पे लगे रहते हो लेकिन जमीन स्तर पे कैसे मदद करोगे? तो इस सब्जेक्ट पर भी कोई एक सब्जेक्ट और इस पर विचार हो, वो हम लोगों को कैसे डायरेक्शन दे। ध्रुव कुमार सर जी, सर देखो भैया, दो तरह से काम चलता है जी सर। अभी एक व्यक्ति ने पूछा मुझसे फोन करके कि जी आप यहाँ लोगों की मदद नहीं कर रहे और इतनी सारी एट्रोसिटीज हो रही हैं, आप उसमें क्या कर रहे हो? ये जो दुनिया भर में एट्रोसिटीज हो रही हैं, प्रताड़ना हो रही हैं, उनमें आपका क्या स्टैंड है, क्या करते हो? जी सर, तो आप इसको ध्यान से सुने और इसका मनन करें। तो मैंने उसको ये कहा कि भाई एक बात बता, तू हमको भूल जा कि हम समरसंग वाले या वी द पीपल वाले यहाँ कुछ लोग हैं, हमको तो भूल जा। अब तू हमको ये बता कि जो इतने सारे जो संगठन हैं, 29 लाख संगठन हैं, 4 लाख एक्टिवेट हैं, वो प्रताड़ना में क्या कर रहे हैं, जो जो एट्रोसिटीज हो रही है उनमें वो क्या कर रहे हैं? तो वो कह रहा जी वो तो कुछ नहीं कर रहे। तो भाई वो कुछ नहीं कर रहे, प्रताड़ना हो रही है, तो तू हमको भूल जा। कह रहा जी आपको कैसे भूल जाए? तो हमने उसको कहा कि हमको ऐसे भूल जा कि इतने सारे लोग प्रताड़ना में लगे हुए हैं, जब वो प्रताड़ना कम नहीं कर सकते तो हम भी कम नहीं कर सकते। हम तो इसको जड़ से खत्म करने का जो समाधान है वो लेके आए हुए हैं। तो प्रताड़ना के लिए जितने संगठनों ने गारंटी ले रखी है कि वो प्रताड़ना कम करेंगे, किसी की एट्रोसिटी खत्म करा देंगे और वो खूब जुलूस निकालेंगे, खूब करेंगे, उनकी मदद लो भाई। और यहाँ ये जो परमानेंट काम हो रहा है इसमें सहयोग कर सकते तो करो, नहीं तो इसको देखो कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि हम उस बात पर काम कर रहे हैं कि प्रताड़ना हो ही ना, हम उसके लिए काम नहीं करते कि तू पिट के आएगा और हम तेरे लिए मल्हम पट्टी लेके खड़े होंगे और तेरे लिए तख्ती उठाएंगे और तेरे लिए हम FIR लिखेंगे और तेरे लिए ये काम करेंगे। तो सारे काम कर रहे हैं, सारे काम लोग पिटवाने का कर रहे हैं कि भाई पिट के आ जा, हम तैयार हैं,
सबने दफ्तर खोल रखे हैं, सबने संगठन खोल रखे हैं, पिट के आएगा तो मदद करेंगे। और हमसे भी कह रहे हो कि जब हम पिट के आएंगे तो तुम क्या मदद करोगे। भाई हम तेरे पिटने का वेट नहीं कर रहे, हम तो वो काम कर रहे हैं कि तू जिंदगी में पिटे ही ना, बल्कि तू पीटे लोगों को। तो वो कहने लगा जी वो काम कैसे कर रहे हो। भाई वो काम ऐसे कर रहे हैं कि जिसका बहुमत होता है, इस बात को नोट कर लो भारत में, कि जो लोग संघ में हैं, जो लोग इकट्ठे हो रखे हैं, वो नहीं पिटते, और वही लोग पिट रहे हैं जो अलग अलग हैं। तो हम तो संघ में अगर सबको इकट्ठा कर रहे हैं तो यकीन मानना कि कुछ दिन बाद लोग तुम्हारी शिकायतें लेके थाने में जाएंगे, अजी वो फलाने फलाने लोग हैं उन्होंने मुझे पीट दिया, अजी वो फलाने लोग हैं वहां मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन्होंने मेरी मूंछ काट दी, उन्होंने मेरी बाल काट दी, उन्होंने मुझे घोड़ी से उतार के फेंक दिया, ये उल्टा होने वाला है। तो वो कह रहा जी हमको यकीन नहीं होता। मैंने कहा भाई तुमको अगर यकीन नहीं होता तो तुम अशोक के शासन में देख लो, जब हम सारे समण थे, बता हमारा कोई बच्चा पिटा हो उस समय, बता दे अशोक के शासन में, बुद्ध के संघ के बाद में अगर कहीं किसी की मूंछ कटी हो, कोई इतिहास में एक हिस्ट्री उठा दो। ये तो अभी से 400-500 साल से ड्रामा हो रहा है, क्योंकि जब से हमारा संघ टूटा है तब से पिटे हैं, संघ बना लो नहीं पिटेंगे। और जहां जहां लोगों ने संघ बना लिए, लोग इकट्ठे हैं, वहां नहीं पिटते, वहां तो पीटते हैं। जिस गांव में संख्या ज्यादा होती है और इकट्ठे हैं, वहां की खबरें आती हैं कि मार दिए। अभी नोएडा के पास में एक गांव गांव था, वहां के कुछ लोग थे, तो वहां पता नहीं कि हम जो लोग थे, जो समण लोग थे, उन्होंने दो लोगों को पीटा मारा, या जो दो चार लोग थे उन्होंने मारा, क्योंकि कानून के हिसाब से हम कह नहीं सकते यहाँ क्या है क्या नहीं है। मगर वहां कहानी कुछ ऐसी रही कि इकट्ठे होकर कुछ लोगों ने वहां कुछ लोगों को पीटा, तो ऐसी खबरें आएंगी। तो उसको बात समझ में आई, क्योंकि हम एटोसिटीज पे काम नहीं कर रहे हैं, हम झंडा उठा के और पिटने वाले के समर्थन में खड़े नहीं हो रहे हैं, ये बात क्योंकि जो जो लोग इकट्ठे होते हैं वो ताकत में होते हैं, वो पीटते हैं हमेशा, और ये दिन आने वाला है, ये ध्यान रखना आप। जी सर, जब इकट्ठे हो जाते हैं तो जुम जाते हैं, अपने आप ही बंद हो जाती है, ये कितने सारे एग्जांपल है, यही बता दो ना। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो बताते हैं हम तो इकट्ठे हैं नहीं होता, और ये जो पीट जो बात करते हैं उनके अगेंस्ट फिलहाल हम कुछ नहीं करते कर सकते, सीधा ही कह सकते हैं हम नहीं कर सकते, अभी हम इस स्थिति में नहीं आए हैं। डॉक्टर यूवी सिंह जी का हैंडल है। डॉक्टर यूवी सिंह जी, हाँ जी जी जी, डॉक्टर यूवी सिंह सर, आप क्या बोलते हैं इस भरी जवानी में पूरे पूरे रात के दो दो बजे तक लोगों से बात कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो जवानी पीछे कर दी आपने, कुछ अपना एक्सपीरियंस बताइए कि क्या बोलते हैं, क्या अंतर देखा आपने संघ में, और क्या अंतर देखा बाकी जगह काम किया तो। संघ और संगठन में अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, संगठन समाज को बांट रहा है और संघ समाज को एकजुट कर रहा है। हमने भी बहुत संगठनों में काम किया है और उससे कुछ लाभ तो मिला, लेकिन कुल मिलाकर के संगठनों ने समाज को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। ये बात हमारे जैसे व्यक्ति को भी तब समझ में आई जब सुधीर राज सिंह जी ने मई में ये कार्यक्रम शुरू किया, और मुझे किसी मैं अपने आपे को मुझे इससे जुड़ने का मौका मिला तो मैं भी अपने को ये समझता था कि संगठन ऐसा होता है, संगठन ऐसे बनता है, बहुत सारे संगठनों में काम किया, लेकिन जो संगठन संघ के रूप में बदलते गए तो वहां कुछ सफलता मिली। जैसे 79-80 के मुझे वो दिन याद है कि हम लोग जब जुड़ते थे, जुड़ना शुरू किया था गाजियाबाद में, तो लगभग 50 यूथ की टीम तैयार हो गई, जो वास्तव में नाम भले ही एक संगठन का था लेकिन उसका काम करने का तरीका संघ का ही था, लेकिन बाद में वो संघ भी संगठन में बदल गया। मुझे खुशी है कि लोग संघ के कंसेप्ट को अब समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जिनकी यह समझ में आ रहा है वे संगठनों से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। संगठनों से कुछ नहीं बनने वाला है, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो कर्मचारियों के स्तर पर हो, चाहे धम्म के स्तर पर हो,
इन संगठनों ने कुल मिला के समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, ये बात अच्छी तरह से सिद्ध हो चुकी है। अब केवल एक ही हल है, वो है कि हम संघ से जुड़ें। जो कंसेप्ट आपने खोजा है, जिस पर हम 8 महीने से काम कर रहे हैं, मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि वो इस कंसेप्ट पर स्वयं काम करें। धीरे 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 सब लोग जुड़ेंगे, धीरे धीरे सब लोग जुड़ेंगे। जैसे हम जुड़ गए, आप जुड़ गए, इसी प्रकार अन्य भाई भी जुड़ेंगे ही, ऐसा मेरा विश्वास है। कृपया इसी विचारधारा पर आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, ऐसा मेरा मानना है सर। आगे बहुत सर। जी सर, जी सर। आप अपना मोबाइल जरा सही से लगा के और 5 मिनट जरा ये बताओ कि आप इतना पूरा दुनिया में मेहनत कर करके काम कर रहे हो, तो यहाँ क्या उम्मीद आपको ऐसी लग रही है और कैसे आपको उम्मीद जगी कि अब हमारा साथ कुछ अच्छे दिन आ जाएंगे? सर ये तो कोई बड़ी बताने वाली बात नहीं है, एक बी द पीपल जो चला है, ये संघ का एक ऐसा माध्यम है जो कि जो आप भी बताते हैं और सब बताते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि बेटा इकट्ठे रहोगे तो मार नहीं खाओगे, जहां भी जाओगे इकट्ठे रहकर जाओगे तो हमेशा जीत जीत के ही आओगे। तो समर्थ संघ तो एक हमारा बहुत पुराना संघ है जिसको आज तक हम लोग नहीं समझ पाए थे, और आज आपके द्वारा, अपने सीनियर साथी हैं उनके द्वारा इस चीज को हम समझ पा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात लग रही है। और मैं जो देख रहा हूँ, जो हमने 1+10 का जो फार्मूला जब से शुरू किया है, लोग काफी तादाद में आ रहे हैं इसमें, जिसमें हम 1 से 3 थे, 3 से 4, 4 से 5, आज 8 संघ हमारे सर्कल बन चुके हैं 1+10 के। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है विद पीपल की, लोग इस बात को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिसको कंसेप्ट बताया जाता है, और कंसेप्ट को एक बार में नहीं समझ पाता है, कोई बात नहीं, हम 2 बार भी 3 बार बैठ करके उनको बताते हैं तो उनकी समझ में आ जाता है। कहते ये तो जरूर कहते हैं कि जी आप कह तो सही रहे हो, लेकिन होगा कैसे, जो आपने कल भी इस पे क्वेश्चन रखे थे, कौन कैसे किसको, तो ये चीज आती है, तब उनको बताया जाता है भाई इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि सबको समान रूप से देखा जाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, VIP कल्चर इसमें है नहीं। जमीन पे अगर सब बैठे हैं तो कोई VIP आएगा वो भी जमीन पे बैठेगा, अगर कुर्सी पे बैठे हैं तो वो भी कुर्सी पे बैठेगा, उसको कोई माइक मंच अलग से नहीं दिया जाएगा, जो सब बैठे हैं वो सबके समान होगा, सब समानता इसके अंदर है। पैसा इसमें लिया नहीं जाता है, चाहे किसी भी प्रकार की सदस्यता हो, चाहे कोई हमें खर्चा हो, स्वयं आदमी करेगा इसका। हम खाना भी यहाँ तक होता है, खाना भी मिलकर खाते हैं, तो ये चीज उनकी जब समझ में आती है, खाना मिलकर खाना, कहीं किसी के साथ जा रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं तो उसको किराया वापस करना, किसी के यहाँ जाते हैं तो उसकी मदद कर रूप में लिफाफा देना, ये चीजें उनकी समझ में आ जाती है, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल सही है, जो संघ का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छा है और हम इसमें जुड़ेंगे। तो इसी वजह से लोग इसमें जुड़ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी लोगों को लगातार, ये जो हमारा 1,000 का स्कोप का कंसेप्ट था कि हमने मार्च तक ये करना है, मैं समझता हूँ कि 1,000 नहीं, 1,000 से भी काफी आगे निकल जाएगा, ये मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आर के बोल साहब, अगर यहाँ 1,000 अनाउंस होता है तो उसके अंदर 3,000 होता है, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। 1,000 नहीं होता, हम ये मान के चलते हैं कि 3,000 आदमी को हम क्या बोलते हैं, कहीं कार्यक्रम बुलाते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की इमरजेंसी फंस जाती है, किसी को छुट्टी नहीं मिलती है, कोई बीमार हो जाता है, किसी की गाड़ी खराब हो जाती है, कोई लेट हो जाता है, इसलिए 3,000 का टारगेट रखते हैं। सर ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बेफिक्र रहो, बिल्कुल होगा, 100% होगा। नहीं, मैं तो इतना बेफिक्र हूँ कि मैं तो टोपी भी बढ़िया ले आया कश्मीर से खरीद गए। मैं तो पूरा बेफिक्र हूँ। बहुत अच्छी टोपी, देखो जिसके जिसके राइट में बाबा साहब हो, लेफ्ट में बुद्ध हो, उसे क्या चिंता है, उसे चिंता बिल्कुल, चिंता उसे होगी जिसके बाबा साहब और बुद्ध ना हो साथ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। सर 2 मिनट चाहिए सर, 2 मिनट है सर। नहीं, आपका नंबर आ रहा है, आपसे तो पूछना है वकील साहब कि आपको क्या बोलते हैं, क्या परिवर्तन दिखाई दिया, वो बताओ आप 5 मिनट में क्रांतिकारी भाषण में जरा अपना। यस सर, सर जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले सर
आपने जो आज किया, तो मेरा मानना है सर ये बहुत बड़ी संख्या है रिटायर्ड लोगों की, जो रिटायर्ड होकर दोबारा जॉब कर रहे हैं या रिटायर घर में बैठे हैं। कई सारे जवान गांव में है या हमारे जो काफी परिचित है इनके मैं अक्सर वीडियो भेज रहा हूँ सर, लगभग हर अल्टरनेट तो भेजता ही हूँ, लेकिन इस तरह सोए हुए हैं लोग हैं, उनको कोई फर्क जो ही लगती नहीं कान से। यही है कि बस ये है कि जो समर सर कहता है कि हम अपना काम करते रहे, जो भी मिले रास्ते में, सफर में, सुबह में, कहीं मिलने गए, अपना काम हम करते रहे। धीरे 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 अभी लोगों को ये तो पता चले समर संघ काम कर रहा है, और यकीन मानिए लोगों में काफी दहशत हो गई, जो हमारे अलग अलग संगठन है उनमें, ये समर संघ क्या करके आ रहा है, पैसा नहीं चाहिए, यहाँ कोई नेता नहीं है, तो ये जो बातें सर यहाँ पे आई है लेकर के लोगों के ये जो इफेक्ट है इसमें आम आदमी भी आएगा। और आपने बहुत अच्छा हैंडल किया कि अभी जो 10वीं 12वीं पास है, यानी जो हमारे महापुरुष जानकारी उनको पहले टैप करें, बाद में वो लोग आएंगे, अपने आप आएंगे, जब भीड़ कहीं भागती है ना सर तो अपने आप सब आ जाते हैं। तो इस तरीके से समर संख्या में पूरा कीन है कि हम गुजारिश सबसे जितने लोग हैं कि रोज जुड़े, हर रोज जुड़े और सुनते रहे, जितना ज्यादा सुनेंगे मेरा ख्याल हमारे सवालों के जवाब अपने मिलते जाएंगे, प्लस काम भी करें। मेरा मानना है काम करना ज्यादा जरूरी है, जो भी जहां पर भी ऑफिस में या जितना भी समय मिलता है लोगों को, हम जितना जरूरी है हमें सीखना है कितना जरूरी है। दूसरा एक सवाल आया सर, आपने बताया जो आगरा में एक बच्चे का नौजवान की मर्डर हो गया, तो हमें वो जोश में नहीं आना है, हमें महापुरुष, दो इससे बड़े महापुरुष दुनिया में नहीं है सर, बुद्ध और बाबा साहेब, उन्होंने जितनी भी सिचुएशन हैंडल की, जितनी परिस्थितियां हैंडल की, उन्होंने कहीं भी जोश में आवेश में आके हैंडल नहीं किया, और मेरा ख्याल इतनी बेहतरीन सिचुएशंस को हैंडल किया कि नतमस्तक हो गए सारे विरोधी, जो जो बिल्कुल नहीं चाहने के बावजूद हिम्मत नहीं पड़ी उनको मारने की। तो वो हमें सीखना है, और हमें इसलिए एक बाबा साहब को और खुद को रखना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम आत्मसात करेंगे बुद्ध के पंचशील को, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग को, और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाए सर, मेरा मानना है। वकील साहब, वकील साहब, सर जी, जी सर, जी सर, जी सर, जाम बोले जी है क्या? देख लेंगे, है ना, जामबुले जी है। हाँ जामबुले जी, हाँ जी बोलिए, कंक्लूड होने वाला है। मैं 5 मिनट आपकी भी एक बार ये पूछना चाह रहा था कि आप महाराष्ट्र में इतने क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, तो समर संघ का कॉन्सेप्ट जैसे ही आपको बताया कटके सर ने, तो आपको कैसा लगा, जरा 5 मिनट बताएं सारी बात। तो मैं तो बहुत सारे संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और काफी साल से गुजरात में भी 18 साल था, बिहार झारखंड में भी था, तो सर्विस के साथ ये एक्टिविटीज तो मैं करता ही हूँ। तो यहाँ भी कई प्रोग्राम की है, लेकिन ये जो कंसेप्ट है आपकी, इसमें जो कुछ चीजें है बहुत ही वेटेज लाने लायक है। तो इसमें सबसे पहला जो फाइनेंस का जो मैटर है, जिसके लिए बहुत झगड़े होते हैं और लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, ये पॉइंट तो यह नहीं है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी चीज है कि इसमें राजकारण पॉलिटिक्स नहीं है, बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि संगठन में राजकारण ये पॉलिटिक्स बहुत सारी चीजें होती है, नहीं है, और इसमें सब मिलके रहना है। कहाँ भी जाते हैं तो क्या होता है, जामुले साहब आप ही चाय पी लाओ, सब 10 लोग हैं तो गाड़ी निकालो, तो ये क्या है, ये हमारा जो समन संघ है इसमें सभी कॉन्ट्रीब्यूट करना है, अगर मेरी गाड़ी है तो सब मिलके पेट्रोल भरेंगे, ये सबको अच्छा लगता है कि भाई अकेला क्यों भरेगा। तो ये जो चीज काफी लोगों को प्रभावित करती है, और इसमें हमें अगर हमारा जो समाज है, हमारी जो इश्यूज है, समस्या है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो ये ऐसा संघ जिसके हम बात कर रहे हैं कि सभी चीजों का एक ही हल है, कि हम जब तक हम इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, जब तक हमारा संगठन स्ट्रांग नहीं हो सकता है, तो कोई भी चीज को हम हासिल नहीं कर सकते। हमने बहुत सारे सफर किए, कई साल से हम देख रहे हैं, गुजरात का हमने रिवॉल्यूशन देखी है कॉस्टिज्म का, बिहार में कई घटनाएं ऐसी है, तो एक ही हल है कि जब तक हम, और बाबा साहब की जो भी मूवमेंट थी, जब तक बाबा साहब थे उन्होंने चलाया, उसमें जो नीतिमत्ता थी, धम्म था, और उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को मतलब इकट्ठा किया था, तो ऐसे लोग बाबा साहब जाने के बाद कोई मिले नहीं। और यही चीज है, पैसा लूटना, लेना और करप्शन करना, धम्म के नाम से, बाबा साहब के नाम से चंदा इकट्ठा करना, इसमें कई हमने गुजरात में भी झगड़े देखे, बिहार में था मैंने वहां भी देखे, नागपुर में भी है, तो कुछ दिन के बाद संगठन टूट जाता है, दूसरा संगठन बन जाता है, और वही
जो रोटेशन में जो चीज रहती है वही कंटिन्यू होती रहती है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पैसा ही नहीं ले रहे हैं तो कोई मतलब है नहीं, और कुछ राजकारण भी नहीं करना है इसमें, कोई नेता भी नहीं, सेक्रेटरी सचिव या कोषाध्यक्ष ऐसी कोई चीज ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल वेपन है हमारा संघ को बढ़ाने का, ये इसके जो पहलू है बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए ये जो हमारा वी द पीपल है कि सभी हम समान है, वी ऑल आर इक्वल, देर इज नो पार्शियलिटी, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई रिच नहीं, और इसमें कोई भेदभाव नहीं कि इनर कास्ट बहुत होती है महाराष्ट्र में भी, जैसे कि मार है कमार है ऐसे बहुत सारे होते हैं, तो इसमें सब समान है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलेगा और लोग जुड़ेंगे, और मुझे लगता है कि काफी हम इसको बड़ा कर सकते हैं, और बाबा साहब का जो सपना है ये पूरा हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा, और जल्दी कन्विंस हो जाते हैं टाइम लगेगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट है हमारी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़ी मेहनत करने से अच्छा फिल्म मीठा फल मिलेगा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, दरअसल क्या है कि नमो बुद्धाय, जय भीम। जामले सर, क्या है कि बहुत क्या बोलते हैं, हम लोगों से पूछते हैं जो जो अभी यहाँ नहीं आ रहे हैं कि भाई इससे अच्छा कोई बेहतर कंसेप्ट हो तो हमें बताते रहना, या इसमें कोई कमी है तो बताते रहना, तो कोई कभी ना अभी तक कोई किसी ने कोई कमी बताई नहीं इसके अंदर, और हम बार बार लोगों से पूछते हैं कि भाई कमी जरूर बताना, चाहे इसकी अच्छाई बताना मत बताना, मगर कमी जरूर बताना हमें, क्योंकि कमी नहीं छोड़ेंगे इसमें, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें क्या है कि अभी लोग है ना बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन का जुड़े हुए हैं, उनको वहां से विड्रा करके इधर लाना है कि जितने भी, क्योंकि हम भी उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो अच्छे एक्टिविटिस्ट है कोई ना कोई संगठन के साथ, काफी संगठन है जैसे नागपुर है, पुणे में है, या कर्नाटक में है, दिल्ली में भी है, तो कुछ ना कुछ लोग अलग संगठन से जुड़े हुए, तो वहां से काम कम करके इधर देना। मैं भी अभी भी कई संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कई मीटिंग अटेंड करता हूँ, तो उसमें लोगों को हम अच्छी चीजें बताते हैं, तो एक्टिविटी चालू रहेगी, लेकिन इसमें धीरे धीरे वहां से विड्रॉ होकर इधर आ जाएंगे, एग्जाम्स है तो उसको डिसकंटिन्यू कर नहीं सकते, धीरे धीरे वही लोग आएंगे, लोग तो सारे वही आ रहे हैं, कोई पैदा तो होगा नहीं नया आदमी, सब इधर उधर से विड्रॉ होकर लोग आएंगे, और वही तभी, क्योंकि सभी संघ के घटक हैं, सभी संघ के सदस्य हैं, तो वो धीरे सब आ जाएंगे बराबर, क्योंकि कल परसों वर्धा गए थे। हाँ, बोले बोले सर। कल हम वर्धा गए थे, डेली हमारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज चलती है, कल कलेक्टर के साथ मीटिंग थी, एससी एसटी ओबीसी उनका जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, तो वहां भी कुछ लोग आए थे, तो जहां भी जाते हैं, क्योंकि उनके साथ भी तो हम एकदम जो एक्टिविटीज हो तो करना ही पड़ेगा, महिला का संघ है, उनकी कुछ समस्या है विमेन की, तो उनके साथ तो है, तो धीरे धीरे क्या है कि वो लोग आएंगे, वो भी चलेगी, लेकिन ये भी एक्टिविटीज, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी स्ट्रांग नेशनल लेवल का एजेंडा है हमारा, ये तो लोकल, उनकी जो समस्या है लोकल है, लेकिन ये आपने, ये हमारा जो समन संघ है, वी द पीपल है, ये तो इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि अगर पूरे देश में हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन और हमारा संघ अगर बहुत स्ट्रेंथन करना है तो हमें इसके साथ ज्वाइन होना ही चाहिए, तो हम उनको बताते कि टाइम लगेगा, जैसा कि उस दिन हमने बताया कि इतने साल के बाद, जैसा ये एक साल 18 महीने हमारे फार्मर्स ने जो भी स्ट्राइक किया, बैठे डट के बैठे वहां, तो गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा रूल, तो हम यही बताते हैं कि भाई आप इकट्ठे हो जाएंगे तो गवर्नमेंट आपके पास दौड़ते आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं, ये धीरे धीरे लोगों को समझने में टाइम लगेगा, तो बहुत अच्छी कंसेप्ट है, तो टाइम लगेगा थोड़ा लोगों को ये करने में, लेकिन अच्छा है, धीरे धीरे तो बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी अब। जामुड़े दादा, धम्मा और संघ सबको प्यारा है जी, बिल्कुल, धम्मा और संघ सबको प्यारा है, इसलिए सब आने वाले है, तो टाइम लगेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, आप जलगांव में है तो जलगांव से भी 10 लोग तैयार करने चाहिए आपने, अभी तक तो आप 5-6 दिन में जोड़ी हुई, तो कुछ 2-4 लोग भी नहीं लाए तूने, नहीं लाए ना, 4-5 दिन लाए ना, नागपुर से भी लाए ना, नागपुर से लाए ना, गोटेकर मैडम लाए, और जलगांव से 2-3 लेडी लाए, और सरोजिनी बहन जी का काम भी चल रहा है उधर, मेरे साथ बात होती रहती है, और आपने जो कर्नाटक का भी विंग ओपन किया, मुंबई वाले लोग हैं उनके भी मुझे फोन आते हैं, मैं समझता हूँ कि अभी ऐसे 5-6 लोग हो गए महाराष्ट्र में,
आने वाले एक महीने में देख लेना, 100 स्पोक्स तो महाराष्ट्र से निकलेंगे। और अपनी बात ये की है कि हमारे पास जितने भी विश्वास करने वाले लोग हैं, हमारे मोबाइल में जिनके नंबर है, बस उनसे कांटेक्ट करते जाओ। हर दिन 5 या 10 लोगों से बात करो, तो लोग जो आपसे आप पे विश्वास करते हैं वो लोग जरूर जुड़ते हैं, क्योंकि वो बिलीव करते हैं आप पे। तो बुद्ध कहते हैं कि विश्वास है ना, विश्वास सबसे बड़ा नाता है। हम पे जिसका विश्वास है उसको जोड़ो, बहुत जल्दी बढ़ने वाला है। अभी क्या है कि पहले हम डायरी में नंबर लिखते थे, तो जब से मोबाइल आया ना बहुत सारी पुरानी चीजें चली गई। मेरा नेटवर्क तो पूरे भारत में है, बिहार में भी मेरे दोस्त है, झारखंड में भी है, ओडिशा में। मेरा नेटवर्क तो पूरे भारत में ही था, इसलिए अभी ढूंढ रहा हूँ कहाँ मेरे दोस्त है। तो जैसे जैसे मिलते हैं तो उनके साथ हम बातें करते, कन्विंस करते हैं। तो अभी केरला में भी है, तो चेन्नई का एक नया लड़का है, वो भी कल परसों ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे अलग अलग हैदराबाद के तो 2-3 लोग हैं, आते अभी ज्वाइन होते, 2-3 दिन से ज्वाइन हो रहे हैं लोग, तो ऐसा करेंगे। जी, चेन्नई के भंते जी भी जोड़ने वाले हैं उस दिन, हमारी नागपुर मुलाकात हुई ना, हेनरीज है, वो भी जोड़ेंगे लोगों को, जोड़ेंगे ऐसा। सुधीर सर, कल 14 वो करेंगे। हाँ, कोई नहीं कर देते हैं, कंक्लूड कर दो, क्योंकि अभी भी 190 लोग जुड़े हुए हैं। 190 का दिख रहे हैं, 68 गुणा करिए, 68 है। नहीं नहीं सर, जैसे हम तीन लोग सुन रहे हैं ना, वैसे सभी लोग किन चीज को सुन रहे हैं, 180 लोग हैं, 3 का गुणा करके रखिए हमेशा। अच्छा जी, जब भी कोई जुड़ता है, अगर 300 लोग जुड़ते हैं तो उसको 900 मांगता हूँ। सही बोला, हम 3 लोग सुन रहे हैं अभी भी घर पे। जी जी जी, ये मल्टीप्लाई है 3 का, हम भी 3 लोग सुन रहे थे। देखिए सर, हम झूठ नहीं बोल रहे थे, दो हैं सर, ये समण संघ का गुणाई है, ये जब शुरू हुआ तब भी गुणांक था, आगे गुणांक 4 का होने वाला है जल्दी ही। तो बहाल बहुत अच्छी मीटिंग रही है आज, और हमारे सुधीर सर, कटके सर और सभी साथीगण जो इस समय सुन रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहे हैं, तो मतलब इस समर संघ का तो अंत ही नहीं है, कहाँ तक जाएगा। बुद्ध जी ने स्टार्ट किया, बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, अब ये समर संघ कितना आगे जाएगा ये तो समय ही बताता रहेगा। टाइम लगभग हो चुका है, 1 मिनट ज्यादा हो चुका है, प्रयास सर इसको सभी के साथ, साधुवाद के साथ में, नवबुद्धा के साथ में, जय भीम के साथ में इसको कंक्लूड कर दीजिए, मतलब कंक्लूड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। नवरात्रि, नवबुद्धा, जय भीम, सबे सत्ता सुखी हों, सबे सत्ता सुखी हों, सबे हों, सबे संत निराम, सबे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचिदिति सबे भद्राणि। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको अपना मान के चलाएँ, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं,
हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Single.